नमस्ते पब्लिक, विशिंग ए वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आज का जो वीडियो है वॉइस ओवर होने वाला है, क्योंकि इतना अच्छे से टाइम मिला नहीं। तो अभी हम आए हैं मेरी मदर की मेडिसिन लेने डीप मेडिकल। पहले मेडिसिन लेंगे, उसके बाद हम दिवाली एंजॉय करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस, आज है दिवाली का पहला दिन, यानी गुरुवार का दिन। बहुत ही अच्छा दिन आया है गुरुवार का दिन। और दिवाली जो है वो हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल माना जाता है। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है दिवाली का। तो अभी तो हम फिलहाल माला लेने के लिए जा रहे हैं। घर से फोन आया कि आते आते माला भी लेके आना, दो तीन काम और मिल गए। तो अभी तो हम जा रहे हैं माला लेने। तो अभी हम फिलहाल तो हैं इधर प्रभात टाकीज के यहाँ पे। प्रभात टाकीज के यहाँ से हम सीधा जाएंगे जवाहर गेट पे, और वहाँ से हम माला लेके आएंगे। अभी मैं और मेरे दोस्त नितेश दोनों निकले हैं हम लोग, और सामने आप देख सकते हो सूर्यवंशी की मूवी लगी हुई है, आ रही है पुलिस सूर्यवंशी बाय रोहित शेट्टी। तो ये हम जाएंगे फ्राइडे को देखने के लिए। आज गुरुवार है, दिवाली है, तो आज तो लगी नहीं है पहली बात, तो हम कल देखेंगे। तो ये हमारी सूर्यवंशी। जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। गाइस, आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर मालाएं हैं। इनमें से हम एक खरीदेंगे और जाएंगे घर पे फटाफट। गाइस, अभी हम हैं जवाहर गेट के सामने, और वहाँ आप देख सकते हो कि कैसे फटाके फूट रहे, अंकल रुके हुए हैं फटाके की वजह से। अभी हम हमारी रामपुरी कैंप में, हमारी रामपुरी कैंप हमारी सिंधी कॉलोनी, बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत मज़ा आता है। तो आप देख सकते हो कैसे एकदम पूरा चमक रहा है हमारा रामपुरी कैंप, कृष्णा नगर, हमारा पूरा सिंधी कॉलोनी इतना चमक रहा है। हर जगह एकदम पूरा लाइटिंग, बहुत ही बढ़िया माहौल क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितना मज़ा आ रहा है भाई। ये रंगोली देख रहे हो आप, पता है किसने बनाई है ये रंगोली? मैंने बनाई है। चल झूठा। गाइस, आप देख सकते हो कैसे हमारा रामपुरी कैंप पूरी लाइटिंग से चमक रहा है, हमारा मंदिर, हमारा रामपुरी कैंप क्या चमक रहा है। दोस्तों, इसे बोलते हैं अनार। दिवाली इसके बिना अधूरी होती है, अनार के बिना। बहुत मज़ा आता है अनार के बिना। अरे बाप रे, देखो बहुत मज़ा आया। अबे आगे जा, चला चला जा 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 जा। पब्लिक, लाइटिंग देख रहे हो आप, क्या लाइटिंग है यार, देख लो एक बार अच्छे से, बहुत लाइटिंग अच्छी है। पब्लिक, इसे देख रहे हो, इसे कहते हैं चिंगारी या फुलझड़ी। इसके बिना तो भाई दिवाली अधूरी है। ये फुलझड़ी मतलब बच्चों का बहुत अच्छा है, बच्चों को जलाने के लिए बहुत अच्छी है ये फुलझड़ी। ऐसे नहीं, बड़े भी जला सकते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे हम लोग फुलझड़ी को जला रहे हैं, और हमको बोलते हैं इसे माई फुलाटे। आज तक पता नहीं मुझे, लेकिन हम बोलते हैं माई फुलाटे, माई फुलाटे। तो ऐसा है भाई, ऐसे है हमारा चिंगारी या फुलझड़ी का मजमा। तो ये फुलझड़ी से हमने अनार जला दिया, देख सकते हो आप। दोस्तों, ये हमारे गोविंद भाई हाथों से चक्री जला रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं, लेकिन चक्री जो है बराबर जली नहीं, वो उल्टी हो गई। उल्टी की वजह से वो बराबर चली नहीं, तो इसलिए हमको रख कर जलाना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हमारे गोविंद भाई फिर से ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इन्होंने जला दी है चक्री, और ये फिर से फेंका, और इस बार प्रॉपर बराबर ही। और आप देख सकते हो चक्री कैसे घूम रही है, बहुत बढ़िया घूम रही है चक्री। इस बार प्रॉपर फेंका उन्होंने, क्या बात है, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो आप देख सकते हो फिर से हमने चक्री हाथों से जलाई और हाथों से जलाने की वजह से वो उल्टी हो गई और उल्टी होने की वजह से वो वापस प्रॉपर नहीं जल पाई। तो ऐसा है भाई, हमने चक्रियाँ बहुत जलाई है, मतलब चक्रियाँ ही हमने जलाई है, चक्रिया और अनार ये हमने बहुत जलाए हैं। तो आप देख सकते हो हम चक्रियाँ ही जला रहे हैं, सबसे पूरी चक्रियाँ आज ही ख़त्म करेंगे हम लोग, एक भी नहीं बचाना है आज ही, पूरी चक्री ख़त्म करने की है दिवाली के पहले दिन पे। तो आप देख सकते हो ये भी ख़त्म। अभी चक्रिया प्रॉपर जल रही है क्योंकि हम अच्छे से जला रहे हैं, तो आप देख सकते हो प्रॉपर जल रही है एकदम, कितना लाइटिंग अच्छा हो रहा है इसकी वजह से। दिवाली ने यार देखा जाए तो पटाखों के बिना मज़ा ही नहीं आता, थोड़ा बहुत पटाखे होना चाहिए यार, थोड़े बहुत तो होना चाहिए। अब गोविंद भाई के बाद सोचा मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ हाथ से चक्री जलाने की, और मैं निकल पड़ा चक्री लेके और मैं ये जला रहा हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है जलने में, जल नहीं रही है, करे क्या। तो फाइनली ये चक्री जल ही जाएगी ऐसा लगता है मुझे, और ये चक्री जल गई और मैंने भी फटाफट से नीचे रख दिया इसको। अब देख सकते हो चक्री कैसे घूम रही है। चक्री मतलब इतना कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तो भी यार फटाखों ना हाथों पे नहीं जलाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा ट्राई किया ऐसे ही, लेकिन आप मत करना, सही बात नहीं है ये, डोंट ट्राई दिस एट होम। और गाइस ये है हमारा तनिष बाबू, सन ऑफ गोविंद भाई। तो गाइस आप देख सकते हो क्या लाइटिंग है यार, पूरा एकदम बहुत बड़ा लाइटिंग है, दिवाली में लाइटिंग का मज़ा ही कुछ और है यार। गाइस इससे तो आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा, ये डेकोरेशन हमने सब ने मिलके किया, ये हमारे घर का डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ है ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग सब कमेंट में बताना कैसा लगा आज का वीडियो, वॉइस ओवर ही था, कमेंट में ज़रूर बताया कि ये डेकोरेशन कैसा लगा, प्लीज़ बताइए ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इस बार ऐसा व्लॉग क्यों बनाया, मतलब क्यों वॉइस ओवर किया, ऐसा इसलिए हुआ कि उस दिन मुझे बहुत सारा काम था, मतलब हो ही नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स निकाले, और मैंने सोचा कि बाद में वॉइस ओवर कर ही दूंगा ठीक है। तो आज का वीडियो बस यही एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम से अच्छा बनाएंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, सब्सक्राइब बटन को एकदम तोड़ दो तुम लोग यार दबा के एकदम। तो बस आज का इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में, बहुत ही अच्छे व्लॉग मिलेंगे, चलो टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही।